सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है महिंद्रा XUV 400। इंडियन मार्केट में इसको वापस से एक बार अपडेट करके प्राइस कम करके लॉन्च करा है। कितनी प्राइस कम हुई है, क्या कुछ नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं, चलिए जानते हैं डिटेल में। उसके बाद एक ड्राइव पे लेके चलेंगे और ड्राइव करके इसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है ड्यूल टोन कलर, ब्लैक कलर, और ऊपर आप लोगों को रोज गोल्ड कलर जो है वो मिल रहा है, या कॉपर कलर जो है वो आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर कई सारे इंसर्ट जो है वो देखने मिल रही है। बहुत सारी गाड़ियों में ब्लू कलर की इंसर्ट जो है वो आपको ईवीज में देखने मिलती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर इसकी प्राइस बता देता हूं। तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। बेस मॉडल है EC प्रो के नाम से, 34.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आता है और 3.3 किलोवाट AC चार्जर उसके अंदर मिलता है। 15,49,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस। नेक्स्ट आपके पास में EL प्रो वेरिएंट आता है, 34.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक और 7.2 किलोवाट AC चार्जर अगर आप लेते हैं तो 16,74,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस। उसके बाद में EL प्रो आता है 39.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में और 7.2 किलोवाट AC चार्जर, 17.49 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस। 17.5 लाख रुपये में आपको ये गाड़ी जो है वो पड़ती है एक शोरूम। अब उसके बाद में आपके पास में हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे देती है, टैक्स बेनिफिट वगैरह जो है वो सब चीज़ें आप इसके अंदर ले सकते हैं। गाड़ी के अंदर क्या मिल जाता है वो सब चीज़ें अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो मिल रही है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं, टर्न इंडिकेटर हेलोजन के अंदर दिए गए हैं, येलो कलर के लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ पर हाई बीम जो है वो भी हेलोजन के अंदर मिलती है। नीचे फॉग लैंप भी आपको हेलोजन में मिलते हैं। अब इनके थ्रोस कैसे हैं, क्योंकि अभी मोस्टली गाड़ियाँ LED के अंदर आ रही है, तो ये इसके लिए एक डेडिकेटेड नाइट ड्राइव रिव्यू करा है। आई बटन पर कहीं तो क्लिक करो आप, लेफ्ट या राइट साइड में आएगा, वहाँ पर आप इस वीडियो के बाद में देख लेना। फ्रंट में इसके अंदर कोई पार्किंग सेंसर जो है वो नहीं मिलते हैं और 9360 कैमरा मिलता है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का ये नया लोगो और फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत जो है वो कार लग रही है। मतलब SUV वाली वाइब जो है वो यहाँ पर आती है, फ्रंट काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखाई देता है। साइड में अगर आप आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर अलॉय व्हील्स ड्यूल टोन में आपको अपोलो सी ले गए टायर, 205/65R16 जो है इस टायर की प्रोफाइल है। एंड यहाँ पर फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। और गाड़ी जो है वो XUV 300 से लंबी है, ठीक है। अब ये सब 4 मीटर में कैटेगरी में नहीं आती है, तो ये थोड़ी सी पीछे से बड़ी हो गई। और बड़े होने का एडवांटेज इसको ये मिला है कि इसका जो बूट स्पेस है जो कम था पहले से, वो अब और ज़्यादा बेटर जो है वो हो गया है। और अगर आप ऊपर देखोगे तो ड्यूल टोन रूफ जो है वो दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर जो ग्लास हैं वो अगेन काफ़ी बड़े हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं फ्रंट डोर्स पे। ORVM जो है वो भी ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड वाले फंक्शन के साथ में आते हैं और टर्न इंडिकेटर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया LED टेल लैम्प दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये बैक लाइट और टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन के अंदर देखने मिलेंगे। पीछे आपको डेफिनेटली रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। EV की बैज यहाँ पर अब नया आ गया है, XUV 400 की ब्रांडिंग, और ये सब चीज़ें जो है वो कॉपर कलर में देखने मिल रही है। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, आगे कॉस्ट कटिंग करी गई है यहाँ पे, और नीचे से गाड़ी जो है वो बिल्कुल प्लेन लगती है और अच्छी तरीके से कवर्ड जो है वो यहाँ पर किया गया है गाड़ी को। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है इसका ये टेल लैम्प, बहुत ही मतलब प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो रखा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो अटेंशन टू डिटेल कितना प्यारा जो है इन सब चीज़ों को बनाया गया है, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखा गया है। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना जो है वो दिया गया है। देन उसके बाद में बूट स्पेस जो है ये काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले एक बार आपको बता दूँ, तीनों एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में ये हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट, और नीचे आपको टायर जो है वो भी मिलता है, स्पेस सेवर टायर। 80 की स्पीड लिमिट जो है वो इसकी यहाँ पर रखी गई है, और ये आपको चार्जर मिल जाता है इधर, ये सब चीज़ें दी गई है। और जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लग रही है वो है ये इसका लाइक जो मैट यहाँ पर लगाई गई है, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की जो है वो रखनी चाहिए। और स्ट्रैप भी ये यहाँ से ऐसे ओपन हो रही है, तो ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्लिंजी सा सब चीज़ें हो रही है। तो ये 418 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपका काम आराम से कर जाएगा। काफ़ी बढ़िया स्टोरेज जो है वो यहाँ पर गाड़ी में आपके पास है, और स्टोरेज आप बढ़ा भी सकते हो। ऊपर रूफ रेल्स हैं आपके पास में गाड़ी के अंदर, अगेन काफ़ी बढ़िया जो है वो लगती हैं, डिज़ाइन जो है वो अच्छी लगती है। कार को आप साइड से देखो, अगेन साइड जो है वो सभी चीज़ें कार की सेम है। यहाँ से आप जो है वो चार्ज में लगा सकते हो। इसको ओपन करने का सीन बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से इसको ये ओपन करेंगे, ये फ्लैप ओपन हो गया, और यहाँ से आप गाड़ी को जो है वो चार्ज में लगा सकते हो। दैट्स ऑल, फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर अपना, ये 15 वॉट का सब चीज़ें सपोर्ट जो है वो करती है। इसको क्लोज कर देते हैं, एंड ये लॉक हो गया है, इसको खोलने का बटन वहीं से है, ठीक है। तो पीछे जो है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगेन ड्यूल टोन में पूरा इंटीरियर। ये जो स्विचेस हैं ये आपको वन टच अप डाउन फंक्शन के साथ नहीं आते, बट इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्पीकर यहाँ पर है, 4 स्पीकर है और 2 ट्विटर हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का क्रोम वर्क जो है वो यूज़ करा गया,
नीचे आपके पास में 1 लीटर बॉटल होल्डर जो है वो दी गई है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आप देखो तो काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो आपको मिलता है, आराम से 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर। साथ ही यहाँ पर 2 कप होल्डर जो हैं वो दिए गए हैं, स्टिचिंग्स काफ़ी अच्छी है, लेदर वर्क है पूरा, 6 एयरबैग्स हैं कार के अंदर। और बेस मॉडल में आपको 2 एयरबैग जो है वो देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एसी वेंट जो है वो अब आ गए हैं, और मोबाइल रखने के लिए प्रॉपर बढ़िया जगह है यहाँ पर, 2 टाइप सी पोर्ट, नीचे 12 वाट का पावर सॉकेट। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में ये मिल जाता है कोट हैंगर, यहाँ पर ये आपके पास में, यहाँ पर हैंडल है, इधर आप देखेंगे लाइट है, और अगेन लाइट्स बहुत ही प्यारी है। ट्रस्ट मी, नाइट ड्राइव रिव्यू देखो, मज़ा आ जाएगा केबिन की लाइट एक्सप्लोर करके। ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे मत देखो कि येलो कलर की जल रही है, जब ये रात में लीट अप होती है ना, कमाल जो व्यू है वो यहाँ पर देती है। अगेन कोटुक और सॉफ्ट टच क्लोज होने वाले हैंडल बार जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं नीचे बात करूँ तो लेग रूम, नी रूम जो है वो सभी चीज़ें बढ़िया है। ये देखो लेग रूम, नी रूम काफ़ी बढ़िया, जबकि सीट भी मैंने ऐसे पीछे करी हुई है। और यहाँ पर मेरे पास में डिसेंट हेडरूम जो है मिल रहा है, मेरी हाइट 5'10" है, और हेडरेस जो है मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके ऐसे आराम से बैठ सकता हूँ। 3 पैसेंजर यहाँ पर डिसेंट तरीके से जो है वो बैठ जाएंगे, बढ़िया स्पेस जो है वो गाड़ी के अंदर मिलती है। स्पेस के मामले में जो है वो XUV 300 में भी 5 पैसेंजर के लिए कमी जो है वो नहीं होती है। इवन दो सब कॉम्पैक्ट SUV की अगर बात करें तो XUV 300 ही है जिसमें सबसे बढ़िया स्पेस आपको मिलती है। अब यहाँ पर अगेन रिक्वेस्ट सेंसर, आगे देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपके पास में सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORV में आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड भी आप कर सकते हैं, ट्विटर स्पीकर, यहाँ से कार को लॉक अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, गेट ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस 1 लीटर बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस इधर। मैन्युअली आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे सीट के लिए, सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। अपॉल्स्ट्री काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, 1 डेड फुटरेस्ट, 2 पैडल, ये फ्यूज़ बॉक्स, यहाँ पर कई सारे डमी बटन, एक जो स्विच है ये सिर्फ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, और हेडलाइट लेवलर यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। एसी वेंट के आसपास में भी ये कॉपर कलर यूज़ करा है, यहाँ से आप इसकी ब्लोअर स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, फॉग लैम्प जो है वो भी आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब मैं अंदर बैठ जाता हूँ, कार को एक बार ऑन कर लेता हूँ और आपको सारे फीचर्स जो हैं वो डैशबोर्ड के बता देता हूँ। तो ये जो है वो गाड़ी हो गई ऑन यहाँ पर, और रेडी टू ड्राइव जो है वो लिखा हुआ आ गया है डिस्प्ले में यहाँ पे। बट यहाँ पर आप देखो स्टेयरिंग जो है वो नई है, लेदर एब्ड है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको मिलती है। यहाँ पर सारे कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आप म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह लेना है, कट करना है, वॉइस कमांड वाले फ़ीचर इधर। हाँ, 50+ कनेक्टेड फीचर भी गाड़ी के अंदर आ गए हैं। अब क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, और यहीं से आप MID के सारे फीचर्स कंट्रोल करेंगे। इधर आपके पास में वॉशर वाइपर के कंट्रोल्स है, ऑटोमेटिक वाइपर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर कई सारे फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं, और काफ़ी ईजीली जो है आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। व्हीकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, नेविगेशन जो है वो आप यहाँ पर चला सकते हैं, सेटिंग्स, कई सारी सेटिंग्स हो सकती हैं यहाँ से, अलर्ट हिस्ट्री, बैटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती रहेगी, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं यही इसको लगाता हूँ। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में जो है वो आपका पावर कंजप्शन बता रहा है, नीचे ऑडोमीटर है, इधर आपके पास में अलग अलग मोड है, मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पर फन, फास्ट और फियरलेस, 3 मोड मिलते हैं। फन सबसे स्लो है, फास्ट फिर उसके बाद में, और फियरलेस इसमें तो मतलब मज़ा ही सही आ जाता है। और रेंज जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पर आपको रेंज बता रहा है गाड़ी में कितनी रेंज बाकी है और कितने परसेंट बैटरी चार्ज है वो इधर बता रहा है, ऊपर टाइम और टेम्परेचर बता रहा है। तो यहाँ पर ये फन मोड में 161 की रेंज बता रहा है, फास्ट में 150 और फियरलेस में 133। अभी गाड़ी जो है 53% चार्ज है, तो 53 है 161, लाइक डबल भी करते हैं तो आपका 300+ जो है वो रेंज चले जाती है। और कंपनी क्लेम करती है अराउंड 450 किलोमीटर जो पूरा चार्ज हो जाएगी गाड़ी 100%, और 375 किलोमीटर जो 34.5 किलोवाट बैटरी जो पैक है उसके अंदर। अभी सेंटर कंसोल जो है ये भी कम्प्लीटली पूरा नया है, नया 10 इंच का ये डिस्प्ले जो है वो दिया गया है, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख चुके हो, 10 इंच का ये नया जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है। एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले जो है वो भी आना है, वायरलेस इसके अंदर आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। चाहे आप वायर कनेक्ट करो या ब्लूटूथ कनेक्ट करो, अभी तो गाने आपको ब्लूटूथ से ही चलाने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन इसका ऑडियो सिस्टम जो है यानी कि साउंड सिस्टम डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, नेक्सॉन का मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, बट फिर भी इसका भी लाइक अच्छा ही काम जो है वो कर जाता है। नीचे से आपके पास में यहाँ पर जस्ट डायल, होरोस्कोप, न्यूज़ अपडेट, ये सारे ऐप जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऊपर से अगर आप शटल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है, रोड साइड असिस्टेंट, वेले मोड, ये इमरजेंसी कॉल वगैरह असिस्ट,
ये सब फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। माई ड्राइव, यूएसबी, अभी मेरा फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड, दैट्स वाई यहाँ पर इसको ये ऐसे रखा गया है, दैट्स ऑल। बाकी यहाँ पर आपके पास में फिजिकल स्विचेस भी हैं कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम बटन भी है, यहीं से आप म्यूट भी कर सकते हैं। दो एसी वेंट नीचे आपके पास में, ये डिफॉगर वगैरह ऑन ऑफ करना है तो, और पैसेंजर एयरबैग। यहाँ पे ड्राइव मोड जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइव मोड में स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है ये भी चेंज होता है, मैं आपको चलाते हुए बताऊंगा। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है गाड़ी के अंदर, दो यूएसबी पोर्ट है लाइक यहाँ पे, कंप्लीट वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो भी दिया गया है। ये आपका गियर सिलेक्टर, इसमें भी लाइट जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पर दो कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर नीचे, ये स्लाइड फंक्शन के साथ में नहीं आता है, सॉफ्ट टच मटेरियल डेफिनेटली यहाँ पर है। इधर आप देखोगे ग्लव बॉक्स है तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी डीप, बट लाइट जो है वो नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा लाइक आप लोगों को ये ब्लैक फिनिश जो है वो मिल जाती है। डैशबोर्ड ये हार्ड टच प्लास्टिक ही है। ऊपर आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। चश्मा होल्डर भी गाड़ी के अंदर है, और अगेन ये जो लाइट्स हैं काफ़ी अच्छी है, कमाल लाइट्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। सनरूफ डिसेंट साइज़ का है, अच्छा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए सनरूफ, लोग गलत यूज़ कर रहे हैं आजकल सनरूफ का। यहाँ पे हैंडल बार है, और इधर जो है आपके पास में कोई हैंडल बार वगैरह, यहाँ कोई हैंडल बार वगैरह नहीं मिलता है। सो गाइज, ये है नई XUV400 अपडेटेड मॉडल, अपडेटेड फीचर्स के साथ में। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में कार कैसी फील होती है। सो गाइज, चलते हैं और चला के देखते हैं ऑल अपडेटेड, न्यू नहीं बोल सकता हूँ इसको, XUV400 इलेक्ट्रिक। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे ये ड्यूल टोन इंटीरियर है, यहाँ पर ये नए स्क्रीन जो है वो आ गए हैं 10 इंचेस के, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर आपके पास में लेदर अपॉल्स्ट्री, पीछे एसी वेंट्स। ओवरऑल ये कार कैसी है डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, मैं पिछले 5-6 दिनों में, ऑलमोस्ट ये 7वां दिन है इसको यूज़ करते करते, तो टर्निंग रेडियस जो है वो गाड़ी का बढ़िया है, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये रोड चालू है, और व्यूइंग एंगल वगैरह भी गाड़ी का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपडेट हुए हैं, पहले मैं उन सब चीज़ों की एक एक करके बात करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है ये नया ड्यूल टोन कलर, नई स्टीयरिंग व्हील, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 10 इंच का इंफोटेनमेंट ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये दो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती। इसके अंदर आप लोगों को ये EV स्टेक्स जो है वो मिल रहे हैं। अगेन ये जो डिस्प्ले वगैरह, लेआउट वगैरह, अब जो गाड़ी है बिल्कुल एकदम बढ़िया सी लगती है। मतलब पहले भी गाड़ी तो अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं थी, बट वही है कि थोड़ा सा आउटडेटेड सा फील होता था इसका सेंटर कंसोल, डैशबोर्ड वगैरह, तो अब उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया गया है। पीछे AC वेंट जो है वो आपके पास में है, एक टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाती है। अंदर जो है लाइट्स हैं वो बढ़िया है, एम्बिएंट लाइट गाड़ी में नहीं मिलती है। जो अपनी हेडलैम्प है उनके भी थ्रोस काफ़ी बढ़िया है रात में चलाने में, इवन दो वो हेलोजन लाइट्स आपको मिलती है। अब इसके अंदर दो बैटरी पैक आपको मिलते हैं, पहले प्राइस की बात करते हैं। तो 34.5 किलोवाट बैटरी पैक अगर आप लेते हैं बेस मॉडल EC प्रो के अंदर, वो आपको पड़ता है लगभग 15,50,000 के आसपास। और उसके बाद में जो दूसरा मॉडल आता है ये टॉप मॉडल EL प्रो, अगर आप छोटी बैटरी 34.5 किलोवाट की लेते हैं तो 16,74,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस। और टॉप जो एक ये वाला मॉडल EL प्रो टॉप जो बैटरी आती है एकदम 39.4 किलोवाट पर आर की, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है रेंज 456 किलोमीटर की, और वो गाड़ी पड़ती है आपको 17,50,000 रुपीज़ की। 2.5 लाख रुपए प्राइस कम हुई है, फीचर्स गाड़ी के अंदर बढ़ गए हैं, तो 17.5 लाख रुपए जो प्राइस है वो टोटली जस्टिफाई लगती है मेरे को। और रेंज की अगर बात करें तो रियल लाइफ रेंज जो है वो गाड़ी की अराउंड 230 किलोमीटर 220 किलोमीटर के आसपास जो है वो आपको मिलने वाली है ऑन एन एवरेज। तो वही है, बाकी थोड़ा बहुत ऐसा है कि आप इस गाड़ी के साथ में, इलेक्ट्रिक कार के साथ में रहना स्टार्ट करेंगे तो आप अलग अलग चीज़ें डेवलप करेंगे, कार को समझने लगेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज जो है वो निकाल पाएंगे। तो वही है कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको और हो जाएगा काम। ऐसा नहीं दिमाग लगा के बैठे हैं और समझ रहे हैं कि क्या करूँ क्या करूँ, वो चीज़ नहीं है। और डेली जब आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हैबिट्स डेवलप होती रहेगी कि कैसे यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बैटरी चल रही है, कैसे यूज़ कर रहे हैं तो कम चल रही है, वो सब चीज़ें। अब यहाँ पर आपके पास में ड्राइविंग के अलग मज़े हैं, फास्ट और फियरलेस। अब ये जो मोड है कमाल पावर डिलीवरी जो है वो आपको देते हैं, और इसमें जो स्टेयरिंग है उसका भी कैलिब्रेशन जो है वो चेंज होता है। फन, फास्ट और फियरलेस, ये तीन मोड आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें फन जो है वो इको मोड आप समझ लो, और फास्ट जो है वो आपका सिटी मोड हो गया, और फियरलेस जो है वो आपका स्पोर्ट्स मोड हो गया। फियरलेस में पावर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है, उतनी पावर की रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक कभी होती है, बहुत ही ज़्यादा वो फास्ट एक्सेलरेशन जो है अगर आपको करना है, मज़ा करना है तो आप करो, अदरवाइज तो आपका ये है कि फन और फास्ट इनमें दोनों में काम आराम से बन जाएगा। फन में ही मैं मोस्टली चला रहा हूँ और बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत परेशानी जो है वो आई नहीं मेरे को,
कि कहीं पावर की कमी लग रही है, ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ। इवन दो जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जो स्पोर्ट्स मोड में चलती है, वैसी ये फन मोड में चलती है। 0 to 100 जो है 8.3 सेकंड में करती है ये। 150 हॉर्स पावर, 310 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मोटर से इसकी। और अगेन गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, 378 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है, और उसको शायद इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक वो पूरा रूफ तक अगर अपन काउंट करते हैं तो 412 लीटर के आसपास जो है, 418 लीटर के आसपास का जो है वो पूरा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। एक्सयूवी 300 जो है उसमें आपको 256-258 लीटर समथिंग का बूट स्पेस मिलता है, उससे ये लंबी है लेंथ में, दैट्स वाई इसका बूट स्पेस बड़ा है। सिटिंग स्पेस 5 लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी में कोई परेशानी नहीं है। डे टू डे लाइफ यूज़ के लिए अगर आपको कार चाहिए, कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए कार देख रहे हैं, जहाँ पर रोज़ जाना आना है, आपको ऑफिस जाना है, आपकी फैमिली में लोग गाड़ी यूज़ करते हैं जाने आने के लिए, आपको चाहिए, ऐसे आप मेट्रोज वगैरह में रहते हैं जहाँ पर रोज़ 30-40-50 किलोमीटर आपको चलना है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल CNG गाड़ियाँ जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। ये गाड़ी जो है वो आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली है। मैंने लाइक इसका रनिंग कॉस्ट भी काउंट करा, लाइक मैंने फास्ट एक चार्जर से इसको चार्ज में लगाया था, गुड़गांव में साइबर सिटी में लगा हुआ है वो चार्जर, उसमें मेरे को 375 रुपये के आसपास का कुछ तो बिल आया था, और ये गाड़ी लगभग 50% के आसपास चार्ज हुई थी। 4% पे इसकी मतलब लाइक वो 4 या 3% बैटरी बची थी, तो मोटा मोटा मान लो कि 800 रुपये में ये 100% चार्ज हो जाती। तो अब 800 रुपये में 100% चार्ज हो रही है, और 200 किलोमीटर भी अगर चल रही है तो आप काउंट कर लो, मेरी मैथ तो ख़राब है, बट अगर सपोज़ आप घर पे चार्ज करते हो तो क्या रेट पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घर पे रात में चार्ज में लगाते हो और इसको पूरा नॉर्मल अपना 15 एम्पियर सॉकेट से अगर चार्ज करते हो, तो मोटा मोटा आपको 1 रुपये किलोमीटर जो है वो ये गाड़ी पड़ने वाली है। 220 रुपये के आसपास का आपका बिल आएगा, अगर 6 रुपये यूनिट में मान के चल रहा हूँ लाइट की अगर कंज्यूम हो रही है, तो आपकी 40 यूनिट कंज्यूम जो है वो हुई है, तो आप उसके हिसाब से जो है 240 रुपये पकड़ लो, 250 रुपये में भी अगर गाड़ी चल रही है, और वही आप 240 किलोमीटर के आसपास अगर एक बार में चला रहे हो, तो वही 1 रुपये 10 पैसे के आसपास में आप एक लाइक किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हो, जो कि चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग जो है वो मुझे लगता है कि ये गाड़ी की है। अगर एक नॉर्मल बाइक जो कि एक 100 cc 125 cc 50 का माइलेज दे रही है, अगर वो 120 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तब भी वो बाइक आपको 2 रुपये 15 पैसे पर किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पर 5 लोग आप 1 रुपये 10 पैसे पर किलोमीटर के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, तो इससे सस्ता मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो अभी के टाइम पे है ही नहीं इंडिया में। अब अगर बात करें कि टाटा नेक्सोन लेनी चाहिए या XUV अपना ये लेनी चाहिए, नेक्सोन डेफिनेटली आपको 20 लाख रुपये के आसपास पड़ेगी टॉप मॉडल आपका, बट वही है कि उसमें थोड़ा सा वो फ्यूचरिस्टिक दिखती है, डिज़ाइन अच्छी है, टाटा का जो है वो ओवरऑल मतलब जो इलेक्ट्रिक मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, और उनका सेगमेंट बहुत पुराना है, उनका जो अपडेट मतलब चलते आ रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली महिंद्रा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उनका 50% के आसपास का जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मतलब बोल सकते हैं ना कि वो शेयर रखते हैं पूरे मार्केट में, तो डेफिनेटली वो एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं 2-3 लाख रुपए, तो आप फिर उसके ऊपर जाओ, अदरवाइज आपका ऑलरेडी बजट यही है तो फिर आप ये लो इसके ऊपर। फिर आप अगर जिस स्टेट में वहाँ पर सब्सिडी वगैरह उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा और कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हो और कार को परचेस कर सकते हो। कार नो डाउट ये भी काफ़ी बढ़िया है, चलाने में मज़ा आता है, झटका नहीं मारती एकदम से जैसे EV कार्स मारती, बहुत स्मूथली उठ रही है, स्मूथली चल रही है, सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। एक मैं आपको बता दूँ कि पंच EV लॉन्च हुई है जो कि इससे बहुत छोटी कार है, वो भी आप लोगों को 17 लाख रुपये के आसपास पड़ रही है। तो वही है कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी तो टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी महंगी जो है वो डेफिनेटली है, बट अगेन वहाँ पर डिज़ाइन लुक्स और इंटीरियर का फील वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे से ज़्यादा बेटर है, बट ऑल दो 17-17.5 लाख रुपए की अगर बात करें तो वहाँ पर मेरे को एक इलेक्ट्रिक कार के तौर पर ये कार काफ़ी अच्छी स्टेबल प्लांटेड लगती है। ब्रेक्स वगैरह सस्पेंशन वगैरह बढ़िया है गाड़ी के, कुछ ऐसे ज़्यादा झटका वगैरह नहीं आता है, नॉर्मल सस्पेंशन रखे गए हैं, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है, स्टेबिलिटी बढ़िया है, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बढ़िया है, चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं टायर के अंदर, बूट स्पेस बढ़िया मिल रहा है। नॉर्मली आप कहीं प्लान कर रहे हो कि आपको गाज़ियाबाद से देहरादून जाना है तो आप जा सकते हो, बीच में फास्ट चार्जर आपको मिलता है। अगर आप 50 kW चार्जर यूज़ कर रहे हो तो 0 to 80% इस गाड़ी को 50 मिनट में आप चार्ज कर सकते हो, मतलब मोटा मोटा 1.5 घंटे में आपका 0 to 100 हो जाएगा। आप बोलोगे 0 to 100 में इतना टाइम एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब 80% से 20% कोई भी गाड़ी चार्ज होती है वो स्लो होती है, वो एकदम फास्ट नहीं होती, बिकॉज बैटरी की हेल्थ पे उस पे लाइफ पे फर्क पड़ता है, ये बात है। बाकी 7-8 साल की वारंटी वगैरह आपको मिल जाती है गाड़ी के ऊपर, तो वही है कि आपका जो खर्चा जो बच रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खर्चा बचा रहे हो। और चलो देखो यार, ऐसा है कि आप मान लो कि 8 लाख रुपये आप बोल रहे हो कि 8 लाख बचा भी लिए तो 8 लाख रुपये की बैटरी आ जाएगी, आप ये सोचो कि उस टाइम पे गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, कुछ बहुत सारे दूसरे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह वो सब चीज़ें रहेगी वहाँ पर आपके पास में। 8 साल बाद अपन ने क्या देखा,
दूसरा उसके बाद में आप इतने टाइम तक गाड़ी चला रहे हो, अभी तक जितनी मैंने इसको चलाई मैंने, अरे यार ये एनर्जी पे, हाँ मैंने 6 पेड़ बचा लिए, तो ये भी बता रही है गाड़ी के आपके कितने पेड़ जो है वो आप सेव कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी है कि आप लाइक पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे हो और एक आराम से चल रहे हो, सुकून रहता है इन गाड़ियों में, एकदम पीस रहता है, कोई हार्शनेस नहीं, कोई इंजन का आवाज़ नहीं, कोई डीजल इंजन की क्लैटरिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आराम से चलती है, आराम से रुकती है, कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं, बढ़िया। तो वो एक पीस ऑफ माइंड जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर, कम्फर्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। यही सभी चीज़ें हैं, बाकी ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था XUV 400 के साथ में। मैं चाहूँगा कि लाइक महिंद्रा से इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मंगवा के यूज़ करूँ और इसकी डे टू डे लाइफ जो प्रैक्टिकलिटी है सारी चीज़ें अच्छे से 1-2 महीने, 4 महीने टेस्ट करके और आपके साथ शेयर करूँ। और आप भी अगर कुछ ऐसा देखना चाहते हो किसी भी कार के बारे में, नीचे कॉमेंट ज़रूर से कर दिया करो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस ड्राइव सेफ, राइड सेफ।